लखीमपुर हिंसा केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी है। इस मामले पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए यह जमानत दे दी है। उम्मीद है कि आशीष मिश्रा कल तक जेल से बाहर भी आ सकते हैं। लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश SIT ने हाल ही में चार्जशीट दाखिल की थी। 5000 पन्ने की चार्जशीट में SIT ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था। इतना ही नहीं, SIT के मुताबिक आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था। SIT ने अपनी जांच में लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा के असलों से फायरिंग की पुष्टि भी की थी। आशीष मिश्रा के रिवॉल्वर और राइफल से भी फायरिंग हुई। SIT ने चार्जशीट में आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंस से असला से फायरिंग की बात कही है, जबकि आशीष मिश्रा ने कहा था कि एक साल से उनके असलहों से कोई फायर नहीं हुआ है और इसी को लेकर पुलिस ने बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर फायरिंग की पुष्टि भी की थी। चले तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ सवित मलिक जी मौजूद हैं, BQ अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है सवित जी आपका NB न्यूज पर। मैं समझना चाहूंगी सबसे पहले आपसे, अजय मिश्रा टेनी जो है उनके बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, कल तक वो जेल से बाहर भी आ सकते हैं। पहले दिन ये वोटिंग है, हालांकि न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हाईकोर्ट की ओर से जमानत मिली है, लेकिन क्या जो कार्रवाई उन पर होनी थी वो नहीं हुई है, इसलिए किसान अब किस तरीके की आगे अपनी रणनीति बना सकते हैं? देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, जो फैसला है उसको कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन हम जो पहले दिन से बात कह रहे थे वो बात सत्य हो गई है कि सरकार के नुमाइंदे कहीं ना कहीं इनकी मदद कर रहे हैं। केंद्र में गृह राज्य मंत्री होते हुए पुलिस और प्रशासन उनके दबाव में है और उन्होंने कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं किया होगा, कमी छोड़ी है कि जिससे उनको जल्दी जमानत मिल गई है। और हम लोगों को पहले से था कि जब तक केंद्र में गृह मंत्री बाप है तो बेटे को उतनी स्थिति में नहीं मिलेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट तो तथ्यों के आधार पर फैसला देता है, सबूतों के आधार पर देता है, तो अगर इसमें ये हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक अमले की और SIT की तरफ से चूक हुई है। उसी का नतीजा है कि वो जल्द ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसने पहले से ही प्लानिंग करके सारे काम किए हैं। और हम लोगों की शंका जो थी वो आवाज संपूर्ण हो गई है कि प्रशासनिक अमले ने गृह मंत्री के दबाव में काम किया है। ठीक है सभी जी, मैं समझना ये भी चाहूंगी आपसे, मेरा सवाल ये था आपसे कि आखिर आगे किसानों की रणनीति क्या होगी, क्योंकि देखिए आज पहले चरण के चुनाव हैं, आगे 6 चरण और है चुनावों के लिए। इन चुनावों के मद्देनजर किस तरीके की किसानों की रणनीति हो सकती है आगे, क्योंकि जिस तरीके से आशीष मिश्रा को जमानत मिली है उसी के मद्देनजर आरोपी उनको बताया गया है। SIT ने खुद ये बात कही थी कि वो आरोपी उनको करार दिया था, बावजूद इसके उनको जमानत मिलना। देखो, किसान इस जगह पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आम जनता में जाएगा और आम जनता में जाकर अपनी बात रखेगा, जो पहले दिन से रख रहा है कि सरकार किसान विरोधी है और इन्होंने कुचलने का काम किया है, उनकी हत्या करने का काम किया है और फिर भी आजाद घूम रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर प्रेस वार्ता करवा रहा है और अपनी बात आम जन तक पहुँचाने का काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन मुजफ्फरनगर से सुबह कुछ तस्वीरें सवित जी सामने आई है, शायद आपने देखी हो, जहां पर राकेश टिकैत खुद वोटिंग जब करने गए थे तो वहां पर BJP प्रत्याशी जो वहां के थे, जब वो आमने सामने हुए, उन दोनों का टकराव हुआ, तो उन दोनों ने एक ही तरीके से ये बात कही कि खुद BJP प्रत्याशियों ने ये बात की कि किसान उनके साथ है और किसी भी तरीके से कोई भी खटास यहाँ पर अब नहीं रह गई है, ये बातें सामने आई, वो तस्वीर भी देखी सबने। मुस्कान जी, एक बात बताइए, जिस परिवार के 700 कुछ लोग शहीद हो गए हो, जिनको खाली हाथ दिल्ली से लौटना पड़ा हो, जिनके गन्ने का भुगतान समय पर ना हुआ हो, जिस किसान को रात भर जाग जाग कर आवारा पशुओं की निगरानी करनी पड़ रही हो, जिस किसान को पड़ोसी राज्य से 16 गुना बिजली अधिक देनी पड़ रही हो, तो वो किसान क्या करेगा? ये भारत की जनता अब समझदार हो चुकी है और जो ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं उसके चक्कर में नहीं आएगी, इनके जुमलों में नहीं आएगी। और किसान BJP के खिलाफ वोटिंग कर रहा है और ये सुबह से आप देखोगे उत्तर प्रदेश में पहली बार, पिछली बार 64% मतदान हुआ था, उससे ज्यादा मतदान होने जा रहा है और ये इसी का नतीजा है कि किसान आक्रोश में है और वो वोट का चोट देकर BJP को सबक सिखाना चाहता है।
ठीक है, किसान जो है वो वोट की चोट देकर बीजेपी को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं, हालांकि इतना ज्यादा परसेंट कुछ खास दिखा नहीं है वोटिंग का, तरह तरह के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन किसानों के मसीहा जो कहे जाते थे अजीत चौधरी जी, उनके बेटे हैं जयंत चौधरी जो पश्चिमी यूपी से, जो सपा के साथ उनका गठबंधन है, आरएलडी अध्यक्ष भी वो है, उनकी अगर बात करें तो ये समझने वाली बात है कि जब वो खुद ही अपना वोट जो है वो नहीं आज दे रहे हैं तो जनता के बीच संदेश का जाएगा, क्योंकि किसानों के मसीहा जब उनके पिता को कहा जाता है, कृषि मंत्री वो रहे बीजेपी की सरकार में, और वो खुद अब जो उनके बेटे हैं जयंत चौधरी वो सपा के साथ है, तो उनका वोट ना करना किसानों के बीच क्या संदेश देता है, किसानों को जागरूक कैसे किया जाएगा? देखो, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका पिछली बार एक विधायक जीता था जिसको इन लोगों ने तोड़ लिया था, तो अभी तो वोटिंग में बहुत समय है, शाम के 6 बजे तक वोटिंग है, हो सकता है कि वो वोटिंग करे, वो पहले रैली करे उसके बाद वोटिंग करे, अभी उस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है, यानी कि किसानों की आगे की साफ रणनीति ये है कि वो जनता के बीच जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। जी जी जी, ठीक है समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।